हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 15,000 के ऊपर अगर जाता है तो निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है, और बैंक निफ्टी भी मैंने आपको बताया था 33,000 के ऊपर एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखो टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में मैंने पुट सेल दिया था, इसमें फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, इसमें काफी अच्छा पैसा आया। और उसके बाद आफ्टरनून में मैंने एक बाय कॉल का भी ट्रेड दिया था, काफी छोटा ट्रेड था लेकिन काफी अच्छा प्रॉफिट आया उसमें भी। ये कॉल मैंने बाय दिया था 15,000 का कॉल, 8-8.5 के आसपास चल रहा था, और इसमें मैंने 15 और 20 का टारगेट दिया था। इसमें पहला टारगेट अचीव हुआ, 16-17 तक हाई बना, उसके बाद वापस रिवर्स हुआ है। जितने भी मेरे मेंटरिंग स्टूडेंट है उन्होंने 6 लॉट, 8 लॉट, 10 लॉट में ट्रेड किया। मैंने भी इसमें 750 क्वांटिटी ट्रेड किया था, 8:30 में बाय किया और 14 और 15 रुपए में एग्जिट किया है। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या लेवल्स पॉसिबल है। आज का अगर आप क्लोजिंग देखो काफी नेगेटिव क्लोजिंग आया। नेगेटिव क्लोजिंग इसलिए आया क्योंकि 15,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ है, 14,940 के आसपास क्लोजिंग आया है। स्पॉट में अगर आप देखो तो और भी नीचे आया है, 14,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है फ्यूचर में। 14,840-50 का जो एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वापस अगर 14,800 टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप एक क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड लाइन देख सकते हो। आज इसने डोजी कैंडल बनाया और 15,000 के लेवल से एक प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, काफी अच्छा फॉल देखने को मिला सेकंड हाफ में। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लेना डेली चार्ट पे, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटता है एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है, शॉर्ट की तरफ एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। अब हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी में। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे काफी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही काफी अच्छे लेवल पे है निफ्टी, और यहाँ से अगर फॉल आता है तो एक एग्रेसिव सेलिंग हम लोग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेवल था, गैप डाउन हुआ, बड़ा फॉल देखने को मिला, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस फॉल देखने को मिला, इस लेवल के आसपास गैप अप हुआ, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस रिजेक्शन हुआ है और वापस ये लेवल इसने ब्रेक किया है। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 940-950 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी दिया है। अगर ये 900-920 के नीचे जाता है तो फ्यूचर में हम लोग एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं, और अगर आप ऑप्शंस राइटर हो तो आप 15,000 के कॉल में एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हो। नीचे में 14,840 तक के इंट्राडे टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर 14,840-14,800 भी टूटता है तो एक शार्प फॉल, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। पोजिशनली निफ्टी वीक हो जाएगा और वापस हमें 14,200 और 13,600 ये टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये पोजिशनल टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट 10-15 वीडियो में मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर 14,800 टूटता है तो फिर 14,200 और 13,600 ये लेवल जाने के चांसेस ज्यादा है। तो कल ओपन कहाँ पर होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वापस गैप अप होता है 15,000 के ऊपर होता है तो आप शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, वापस हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन 14,900-920 के आसपास खुलता है और फिर फॉल स्टार्ट होता है तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। अब हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस करते हैं। ये डेली चार्ट है, ये लास्ट स्विंग था और एग्जैक्टली इसी स्विंग के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वापस आज हमें प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला। 33,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ, 33,000 के नीचे क्लोजिंग हुआ है जो कि एक नेगेटिव साइन है। 32,800-32,900 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 32,800 का लेवल टूटता है फ्यूचर्स में तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। 32,500 और 32,000 तक के इंट्राडे टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पोजिशनली अगर बात करें तो अगर ये लेवल टूटता है तो फिर स्ट्रेट अवे नेक्स्ट टारगेट जो आता है वो 30,000 का ही आता है। तो यहाँ से 2,500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, अगर मैं पोजिशनली बात करूँ तो। और अगर इंट्राडे की बात करें तो 32,800 के नीचे 600-700 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो 32,800 के नीचे आप एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हो कल के दिन में। ओपन कहाँ पे होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, 33,000 के ऊपर ओपनिंग होता है तो आप इसको शॉर्ट मत करना, तो वापस हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। 33,000 के नीचे ओपन होता है 32,800 या 900 के आसपास तो हम लोग इसमें एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखो तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, फॉल हुआ, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, वापस इसने सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया। आज अगर आप देखो क्लोजिंग में ये लेवल टूट चुका है जो कि 33,000 का लेवल है और उसके नीचे ही क्लोजिंग हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर कल थोड़ा सा भी फ्लैट खुलता है तो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही। और 32,500 और 32,000 ये दोनों टारगेट हम लोग इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लेवल्स में कुछ भी चेंजेस हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में हम लोग ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी देते हैं, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी देते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।
और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको डेली बेसिस पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।